नमस्कार दोस्तों, करेक्ट टायर प्रेशर के टिप्स रिलेटेड वीडियो में आपका स्वागत है। हम कभी भी जब हवा भरवाने जाते हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप हो या टायर की शॉप हो, ये चेक नहीं करते हैं कि क्या हमने जो हवा भरी है वो हमारे सेट पॉइंट के बराबर भरी है या फिर उससे कम है या ज़्यादा है। और ज़्यादातर लोग ये भी चेक नहीं करते हैं कि भरने वाला जो व्यक्ति है उसने कितनी हवा भरी है, कहीं वो ज़्यादा तो नहीं या कहीं वो कम तो नहीं। बस उसने भर दी, हमारा काम हो गया और हम चल दिए। लेकिन सभी कारों में ड्राइवर साइड के डोर पर कार का ये सेट पॉइंट प्रेशर मेंशन होता है और हम ज़्यादातर ये सेट पॉइंट को नज़रअंदाज करके कोई भी प्रेशर से हवा टायर में भरवा लेते हैं। ज़्यादातर व्हीकलों में आगे के टायर का प्रेशर और पीछे के टायरों का प्रेशर अलग अलग होता है और यही चीज़ हमको खास तौर से ध्यान में रखनी है। तो टायर प्रेशर में तीन तरह की टोटल कंडीशंस होती हैं, ओवर इन्फ्लेशन मतलब कि ज़्यादा प्रेशर, अंडर इन्फ्लेशन मतलब कि कम प्रेशर, और प्रॉपर इन्फ्लेशन मतलब कि जो आपका सेट पॉइंट दिया गया है ड्राइवर डोर पे उसी सेट पॉइंट का प्रेशर। लेकिन इस वीडियो के डिटेल में जाने से पहले एक और बात, हमारी चैनल पर आपको ऐसे ही कार के इंजन रिलेटेड, प्लेटफॉर्म रिलेटेड और सेफ्टी के टिप्स रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे और साथ में हम हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाते हैं। तो प्लीज एक बार हमारी चैनल को जरूर से चेक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए फिर बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी आपके टायर में ओवर इन्फ्लेशन होता है, टायर का कांटेक्ट रोड के साथ ठीक तरीके से नहीं होता है। प्रॉपर रोड कांटेक्ट ना होने की वजह से आपके टायर ज़्यादा घिस सकते हैं बीच से और ब्रेकिंग में भी इफेक्ट हो सकती है और ये भी हो सकता है कि आपका टायर खराब हो जाए। बम्पर में गाड़ी ज़्यादा उछल सकती है और हो सकता है उसका असर आपकी राइड क्वालिटी पर भी हो और हो सकता है कि आपकी राइड क्वालिटी ज़्यादा बम्पी हो जाए। इससे विपरीत जब भी टायर में अंडर इन्फ्लेशन होता है मतलब कि टायर में जब कम हवा होती है तब टायर का रोड के साथ कॉन्टैक्ट जो है वो बढ़ जाता है और इसकी वजह से टायर साइड से ज़्यादा घिसता है और रोड पर कॉन्टैक्ट ज़्यादा होने की वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा क्रिएट होता है और उसका सीधा सीधा इफेक्ट आपकी कार की माइलेज पर पड़ता है। तो आपके टायर में ओवर इन्फ्लेशन हो या अंडर इन्फ्लेशन हो, लेकिन जब तक आपके टायर में प्रॉपर इन्फ्लेशन नहीं है तब तक आप अपने टायर के साथ और अपनी सेफ्टी इन दोनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो ये ज़रूर से याद रखिए कि आप जब भी हवा भरवाने जाए अपने कार के डोर पर दिए गए सेट पॉइंट से ही हवा भरवाएं। इससे एक या दो PSI जितनी हवा कम या ज़्यादा होगी तो चलेगा, लेकिन 4 या 5 PSI जितनी हवा का फ़र्क है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे हेल्दी और स्टे सेफ। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।